सो ये हमने मार्किंग की है। सो हम फर्स्ट जो है ये लोअर बैक से लाइपोसक्शन करेंगे। सो यहाँ तक ये फोल्ड ये कम्प्लीटली हम रिड्यूस करेंगे। सो जब भी देखते हैं तो हम लोअर बैक को असेस करते हैं, तो यहाँ पे फोल्ड है, ये फोल्ड है बेसिकली। सो इसको हमें रिड्यूस करेंगे तो ओवरऑल जो कंटूर है, ओवरऑल जो शेप है वो बेटर हो जाएगी। सो इसको हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सो ये हम फर्स्ट जो है लोअर बैक लाइपोसक्शन। सेकेंड जो है बेसिकली यहाँ से अगर साइड से देखते हैं तो ये जो पोर्शन है ये बाहर निकला, ये बाहर निकला और एंड ये साइड से जो है ये फैट निकला। सो इसको हम रिड्यूस कर देंगे एंड एक नॉर्मल शेप दे देंगे। सो लाइपोसक्शन में जो जो है यहाँ से पंचर रोल होगा एक यहाँ पे एक वेजी बटन में। सो कितना फैट निकाल पाते हैं, सो बेसिकली देखिए ये जो है ये जो पिंचेबल फैट है इसको हम कम्प्लीटली रिड्यूस कर देंगे। तो भी जो ओवरऑल देखेंगे तो साइड से देखेंगे तो हमें बेटर आइडिया आता है। सो यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, ये एक इतना पोर्शन काफ़ी अलग है। सो इसको कम्प्लीट रिड्यूस कर देंगे, ये साइड से रिड्यूस कर देंगे एंड एक प्रॉपर शेप दे देंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये वेजर लाइपोसक्शन प्रोसेस है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसमें करने के बाद ये वाला जो फैट है ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा एंड ओवरऑल जो है ये जो है बेसिकली जो बाहर की तरफ दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो इसको अराउंड टू थ्री आवर्स का सर्जरी रहेगा एंड रिकवरी पीरियड 5 to 7 days। मिलने शुरू में पेन, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, ब्रूजेस, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो परमानेंट रहेगा, ठीक है। ये ऑन टेबल रिजल्ट है, इस तरह से देखिए जो यहाँ पे काफ़ी एब्डोमेन रीजन यहाँ पे पूरा एलिवेटेड था, यहाँ पे एलिवेटेड था। सो ये हमने रिड्यूस किया एंड देखिए अभी तो शेप आ गया है एंड ये ऑन टेबल रिजल्ट। इस तरह से हमने ये लाइपोसक्शन कंप्लीट किया। सो यहाँ से पंचर रोल एक यहाँ से हिडन एरियाज में रहता है एक यहाँ से एंड इसके थ्रू हमने शेप परफेक्ट रिजल्ट एंड ऑन द टेबल इस तरह का ये शेप। सो ये बल्किनेस जो था वो कम्प्लीटली चला गया है। यहाँ से देखिए ये कम्प्लीट फैट रिमूव एंड प्रॉपर जो है शेप अभी दिखाई दे रहा है।